19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में प्रचार अभियान जारी। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के मशोबरा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को किया संबोधित। प्रचार अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पच्छाद क्षेत्र में चुनावी जनसभाएं की। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में इस बार 170,000 नए मतदाता डाल सकेंगे वोट। नए मतदाता जोड़ने का अभियान पिछले कल हुआ संपन्न। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग कर रहा है विशेष प्रयास। कांगड़ा जिले में दिव्यांग मतदाताओं को उचित परिवहन सुविधा देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। प्रदेश की चारों संसदीय सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियां घोषित। शिमला से प्रत्याशी धनीराम शांडिल 23 अप्रैल, मंडी से आश्रय शर्मा और हमीरपुर से रामलाल ठाकुर 25, जबकि कांगड़ा संसदीय सीट से पवन काजल 29 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने सहित चुनावी खर्च की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने मंडी जिले में गठित की टीमें। जिले के प्रमुख मार्गों, चेक पोस्टों सहित अन्य अहम स्थानों पर अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण। कैदियों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में लगाई गई बंदियों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी। सजा के बाद समाज में सम्मानजनक स्थान व स्वरोजगार देना है इसका उद्देश्य। किन्नौर जिले में पोवारी के समीप बीती रात राज्य पथ परिवहन निगम की बस में लगी आग। हमीरपुर से रिकांगपियो जा रही थी बस, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी छाए रहे बादल। ठंडी हवाओं से तापमान में आई आंशिक गिरावट। अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना।